क्या है रासलीला? भक्त और भगवान का मिलन रास है। रास भगवान कृष्ण और कामदेव के बीच का एक युद्ध है। कामदेव ने जब भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया तो उसे खुद पर बहुत गर्व होने लगा। वो भगवान कृष्ण के पास जाकर बोला कि मैं आपसे भी मुकाबला करना चाहता हूँ। भगवान ने उसे स्वीकृति दे दी, लेकिन कामदेव ने इस मुकाबले के लिए भगवान के सामने एक शर्त भी रख दी। कामदेव ने कहा कि इसके लिए आपको अश्विन मास की पूर्णिमा को वृंदावन के रमणीय जंगलों में स्वर्ग की अप्सराओं सी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा। कृष्ण ने यह भी मान लिया। कामदेव ने कहा कि उसे अपने अनुकूल वातावरण भी चाहिए। और फिर जब तय शरद पूर्णिमा की रात आई, भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की सुरीली तान सुनकर गोपियाँ अपनी सुध खो बैठीं। कृष्ण ने उनके मन मोह लिए, उनके मन में प्रेम भाव जागा, लेकिन ये प्रेम कोई वासना नहीं थी। ये गोपियों के मन में भगवान को पाने की इच्छा थी। आमतौर पर काम, क्रोध, मद, मोह और माया अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, लेकिन जिसका मन भगवान ने चुरा लिया हो तो ये भाव उसके लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। जिनके भी मन में भगवान कृष्ण थे, उसने क्रोध करके भगवान से युद्ध किया तो उसे मुक्ति ही मिली। यहाँ गोपियों के मन में कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि वे जानती थी कि वे कोई गलत काम नहीं कर रही हैं। वे वो लक्ष्य प्राप्त करने जा रही हैं जिसके लिए जीव को जन्म मिलता है। श्री कृष्ण के साथ रासलीला खेलना यानी परमात्मा को प्राप्त करना। सभी गोपियों ने महसूस किया कि भगवान सिर्फ उन्हें ही पुकार रहे हैं, लेकिन वो एक नहीं थी, कई थी। मतलब भगवान को पाने के रास्ते पर कई लोग चल रहे हैं और सभी यह सोचते हैं कि वे अपने दम पर चल रहे हैं। भगवान से हमारे रिश्ते में कोई गोपनीयता नहीं होती, लेकिन निजता जरूर होती है। इसलिए गोपियाँ डरी नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। घर परिवार, रिश्ते नाते, जमीन जायदाद, सुख शांति और वृंदावन के उस जंगल में पहुँच गईं जहाँ कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों का स्वागत किया और कामदेव पर विजय हासिल की। रासलीला भक्त और भगवान की एक पवित्र लीला है जिसे रासलीला कहते हैं। अब जो नहीं जानते वो पाप के भागी बन रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। जय श्री कृष्णा।